नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू इंडियन फैमिली लाइफ। देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हैं। आज मैं जैसे ही बाहर आई, मैंने देखा तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं। अभी हम जा रहे हैं, कहीं पहुंचना है 10 बजे और अभी हमारे पास सिर्फ 25 मिनट्स हैं। 9:35 हो गया है, अब पता नहीं हम पहुंच पाएंगे कि नहीं। ये हमारे ऊपर और हमारे ड्राइवर के ऊपर चैलेंज है। पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं। उस दिन भी पहुंचे थे, बताया था ना, उस दिन तो वो मिले नहीं, आज है तो देखते हैं पहुंचेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर लौट के बुद्धू घर को आए टाइप हो जाएगा। और मौसम का हाल कुछ ऐसा है कि कल तो खूब बारिश हुई, फिर से रात में हम लोग निकले थे ग्रॉसरी शॉपिंग और इमरजेंसी शॉपिंग होती है वो करने, लेकिन इतनी तेज आंधी आई और बारिश भी चालू हो गई कि हम लोग को वापस घर लौटना पड़ा और पूरा ब्लैकआउट भी हो गया था। तो हम लोग तो डर के मारे घर ही आ गए, बाकी भी क्योंकि साथ में थी तो। लेकिन आज अभी एकदम उल्टा चल रहा है, एकदम धूप है बाहर, गर्मी भी लग रही है। सुबह तो बहुत ठंड थी, रात में भी बहुत ठंड हो गई थी। हम लोगों ने दोबारा सारी रजाइयां निकाली, बाकी को तो दे ही, मैंने भी ली, लेकिन इसको लग गई ठंड, इसने तो ओढ़ा ही नहीं कुछ। अरे बाप रे, कार आ गई सामने, ये देखो एक और हर्डल। तो इसलिए हम लोग फिर कैंसिल करके घर ही चले गए। इतनी तेज बारिश थी कि यू कैन नॉट इमेजिन। और यहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में तो ये भी आया कि किसी का ऊपर बिजली भी गिर गई। बिजली ऐसी गिरी कि उसका सिर आधा ऐसा फट गया, ऐसा मतलब मुझे पता चला है। देखते हैं पहुंच पाते हैं कि नहीं। कार स्पीड है कार की तो ज्यादा नहीं है, 60 पे चल रहे हैं हम लोग। यहाँ की रोड ऐसी नहीं है कि आप 100 पे जाओ, क्योंकि छोटी छोटी जगहों पे टर्निंग्स आ जाती है, लोग कहीं से भी क्रॉस करने लगते हैं तो थोड़ा सा रिस्की होता है। ये हाईवे नहीं है ना, हाईवे में चला सकते हो। हम लोग घर की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन मूड खराब हो गया आज मेरा बहुत। डॉक्टर के पास गए थे, दांतों में बहुत दर्द हो रहा है, 2-3 महीनों से ही हो रहा था, पर अवॉइड कर रही थी, पर आज नतीजा तो बहुत खतरनाक निकल गया है। डॉक्टर ने पूरे दांतों की इमेजिंग करवाई, बोला है कि रिपोर्ट ला के दिखाना, आपके दांतों में तो बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। थोड़ा मूड खराब है आज मेरा। प्रॉब्लम तो मुझे फील हो रही थी क्योंकि रात रात नींद नहीं आ रही।
कारण मैं अवॉइड ही कर रही थी, अवॉइड नहीं करना चाहिए एक्चुअली, वो बढ़ जाती है समस्या। घर जा रहे हैं, खाना भी बनाना है, बना के कुछ आ ही नहीं। बाकी को छोड़ छोड़ के आ जाते हैं, बेचारी दुखी हो जाती है कि कहाँ चले गए मम्मी पापा। लेकिन डेंटिस्ट का नाम सुनते तो बोले मम्मी नहीं जाऊंगी मैं, ठीक है तुम घर पे ही रहो। चलिए मिलते हैं घर पे, मैं क्या बोलूं, तो बोलने का ही मन नहीं कर रहा अभी। क्या देख इसमें, देख मैं ऐसा कर रहा हूँ ना, तो इसमें से यहीं से आ रहा है। हाँ तो वहीं से, इतना बड़ा काट, ज्यादा काटना पड़ेगा। डस्टबिन में फेंको। मूड तो खराब था ही, लेकिन बाहर जाके देखे इतने प्यारे प्यारे फूल लगे थे, थोड़ा मूड को अच्छा करने की कोशिश कर रही थी। अभी जाऊंगी, खाना भी बनाना है। पाखी भी ऐसे ही घूम रही है बिना नहाए धोए, उसको भी नहलाऊंगी फिर खाना बनाऊंगी, ये सब तो चलता ही रहता है। राइस अभी तो नहीं दिया तुमको मैंने, क्या है देखो, क्या है ये? फाइव स्टार ओरियो। ये अभी नहीं खाना है? नई चीज है। ये अभी नहीं खाना है? अभी खाऊंगा। अभी नहीं खाओगे बेटा? नीचे आके पालक पनीर की सब्जी बनाने लगी। उसमें मैंने डाला तेल, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट। भुनने के बाद थोड़ा सा, दो टमाटर बारीक काट के, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और ड्राई कोकोनट पाउडर। ये है उबला हुआ पालक और थोड़ा सा टमाटर एक। ये पनीर है 200 ग्राम, इसमें पहले डाल के चलाने के बाद फिर ऊपर से जो पेस्ट बनाया था वो डालना है, और फिर तब तक चलाते रहना है, रखना है गैस में तब तक कि ये थिक ना हो जाए। फिर कसूरी मेथी डाल देना है और मेरा घर घर का बना हुआ गरम मसाला भी मैंने डाल दिया। अब इसमें मैं डालूँगी लास्ट में बंद करके गैस मलाई। ये घर की ही मलाई है, जो ऊपर की परत निकलती है ना दूध में, वही हम लोग इकट्ठा करते हैं और डालते हैं। और इसके बाद जो थिकनेस आती है ग्रेवी की, तो एकदम मलाईदार पनीर रेडी है। पालक पनीर की स्मेल थोड़ी अलग आ रही है, इतनी यम्मी बनी। आज का ब्लॉग अब यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।